पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिक जम्मू कश्मीर में दमित कश्मीरियों पर भारत का राज्य आतंकवाद निरंतर चालू है। कश्मीरी गत 7 दशकों से अधिक समय से भारत के राज्य आतंकवाद से त्रस्त हैं। मोदी शासन आतंकवाद को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिक जम्मू कश्मीर की जनता को आतंकित करने के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। भारतीय सशस्त्र बल भारत द्वारा अवैध रूप से अधिक जम्मू कश्मीर में भीषण प्रकार के राज्य आतंकवाद में व्यस्त हैं। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा राज्य आतंकवाद की कार्रवाइयां भारत द्वारा अवैध रूप से अधिक जम्मू कश्मीर में दैनिक दिनचर्या का एक भाग है। भारत ने 5 अगस्त 2019 के पश्चात से भारत द्वारा अवैध रूप से अधिक जम्मू कश्मीर में अपने राज्य आतंकवाद में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है। केवल जून के गत एक मास में 17 कश्मीरी भारतीय बुलेटों का निशाना बने। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिक जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के पश्चात से अब तक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 780 कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। जनवरी 1989 से 30 जून 2023 के मध्य भारतीय बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयों में 96,213 कश्मीरियों की जन क्षति हो चुकी है। भारत के अपनी हिंसात्मक कार्रवाइयों द्वारा जनता के दमन के प्रयत्न कभी भी सफल नहीं होंगे। मानवीय सम्मान तथा आदर में विश्वास करने वालों को कश्मीरियों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। विश्व को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिक जम्मू कश्मीर में मोदी तथा उसके सशस्त्र बलों द्वारा मानवीयता के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिक जम्मू कश्मीर में भारतीय राज्य आतंकवाद का नोटिस लेना चाहिए।